हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ डिएशन का, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, 10+2 में भी आता है, एनडीए के एग्जाम में भी होता है, कॉम्पिटेटिव बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो इसमें देखो, आप एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखो कि एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग क्या अगर कोई फंक्शन दे रखा होगा एक्सपोनेंशियल, उसके संग एफ एक्स और एफ डैश एक्स दे रखा होगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट ई एक्स एफ एक्स प्लस सी आएगा। बस हमें ट्रिक ध्यान रखनी होगी कि हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन में से आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई करना होगा और विद इन वन लाइन आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, आई इज इक्वल टू ए एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अज्यूम करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कॉस एक्स होगा। तो देखिए, आपने एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों फाइंड आउट कर लिए, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है, आपको दे रखा है ई एक्स ब्रैकेट में है 1/x और 1/x स्क्वायर dx। तो ध्यान रखिए, अगर कभी भी अपॉन में पावर इंक्रीज हो रही है तो वो डिफरेंशिएशन की वजह से होती है। तो सिंपली अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x अज्यूम करें तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा -1/x स्क्वायर, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ई एक्स 1/x प्लस सी। ऐसे ही एक और देखिए क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया है x -3 अपॉन x -1 होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। तो देखिए, इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस जितना आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उतना ही हम क्रिएट करेंगे। तो 3 को मैं ब्रेक कर रही हूँ x -1 -2 अपॉन x -1 होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हम सेपरेट कर रहे हैं x -1 अपॉन x -1 होल क्यूब और 2 अपॉन x -1 होल क्यूब इंटू ई एक्स डी एक्स। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली चीज हो जाएगी x -1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब ई एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पावर इंक्रीज हो रही है अपॉन में तो वो डिफरेंशिएशन होता है। तो सिंपली आप एफ एक्स को 1/x -1 होल स्क्वायर अज्यूम कीजिए। तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो देखो, इसका ये वाला पोर्शन में थोड़ा सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ आपको। हम चेन रूल लगाएंगे, पहले पावर लिखेंगे एज इट इज और फिर उस पावर में -1 करेंगे, संग में क्या करते हैं जो टर्म दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फाइनली यू हैव गॉट x -1 -2 अपॉन x -1 होल क्यूब, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगेन हो गया ई एक्स अपॉन x -1 होल स्क्वायर। ये ट्रिक ई एक्स अपॉन x -1 होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाली ट्रिक अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और देख लीजिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन आर दिया हुआ है ई एक्स अपॉन 1 साइन एक्स और 1 कॉस एक्स डी एक्स। तो पहले आप इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो हम 1/1 कॉस एक्स लिख रहे हैं और इस ब्रैकेट को साइन अपॉन 1 कॉस एक्स लिख रहे हैं। तो देखिए, जब ये वाला फॉर्मेट दिया होगा तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि 1 कॉस एक्स कहीं भी दिया हुआ हो आप इसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखते हो और साइन एक्स को हम हाफ एंगल फॉर्मूला से एलैबोरेट कर देते हैं, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो देखिए, इस इन दोनों फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 में और ये टर्म हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखिए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो आप इस वाले रिजल्ट को लिख सकते हो ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 एक्स बाय 2 dx। अब आपको यहाँ बस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है तो आप सिंपली एफ एक्स को अज्यूम कर लीजिए 10 एक्स बाय 2। तो सिंपली अगर आप जैसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव गॉट 2 sec स्क्वायर x बाय 2 और 1/2। तो अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e 10 एक्स बाय 2 प्लस सी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और देखिए, ई एक्स दे रखा है ब्रैकेट में है टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 एक्स स्क्वायर। तो सिंपली देखिए, आप एफ एक्स अगर अज्यूम करते हो टेन इनवर्स एक्स को तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/1 एक्स स्क्वायर, यानी अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ई एक्स टेन इनवर्स एक्स। ऐसे और भी क्वेश्चन या और भी वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल दबाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इसके थ्रू वो सारी चीजें बताना चाहूंगी जो स्टूडेंट को कंपटीशन में टफ लगती हैं। बहुत सारी इजी कॉन्सेप्ट हैं अगर आप उन्हें फॉलो करोगे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।